तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेमर नित्य में। और आज हमने मैच करवाया भाई उसोस ब्रदर के साथ, कोडी रोड्स वर्सेस सैमी जेन। तो देखते हैं भाई ये मैच जीतता कौन है, क्योंकि कोडी रोड्स जो है ना भाई वो सैमी जेन को बचा रहे हैं। और जे उसो का तो आपको पता ही है, जे उसो ने पहले गले लगाया सैमी को और फिर उसके बाद लगाई एक सुपर किक। तो देखते हैं इस मैच में कौन जीतने वाला है फिलहाल। और आपको पता भी है कोडी रोड्स का भाई मैच होने वाला है रेसलमेनिया में ट्राइबल चीफ के साथ। तो कहीं ना कहीं कोडी रोड्स जो है यहाँ पर इस मैच को जीत के दिखाना चाहेंगे अपने ट्राइबल चीफ को। तो फिलहाल तो भाई पिटाई हो रही है कोडी रोड्स की, और एक एक फिनिशर दिया है भाई, क्योंकि अगर दो या तीन फिनिशर दे देते हैं तो गेम जल्दी खत्म हो जाती है, इसीलिए एक एक फिनिशर है भाई। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा भाई लोग, ताकि ऐसी ही और नई नई वीडियो आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा भाई। फिलहाल जो है उसो जो है वो भाई पिटाई करने में व्यस्त है, उसो स्प्लैश कहीं देखने को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक एक है तो यूज करना चाहिए भाई उसो को, क्योंकि अगर कोडी को जगह मिली ना भाई तो वो बड़ी जल्दी फिनिशर लगाएंगे। क्या किया भाई सुप्लेक्स, अच्छा ठीक है, मुझे लगा कहीं फिनिशर कोडी रोड्स ने चिपका दिया। सैमी जेन को बुलाया भाई, और ये हेलोवा किक तो बड़ी जल्दी लगाते हैं, पता भी नहीं लगता यार इस बंदे का, तो इतनी तेजी से हेलोवा किक लगा देते हैं, बाहर फेंक दिया है। ये तो गलत बात है यार, रिंग के अंदर तो रखो यार, इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अब ये क्या भाई, ये अपने जिमी भाई इधर कहाँ भाग रहे भाई। अब फिलहाल जो है रिंग के अंदर वापसी इनकी, और पिटाई की वापसी भी सैमी की, सैमी पे गुस्सा उतार रहे हैं भाई ब्लड लाइन, क्योंकि इसी ने गद्दारी की थी। और अब फिलहाल देखते हैं क्या उसो स्प्लैश की तैयारी होगी भाई, मुझे देखना है यार कितनी जल्दी फिनिशर लगेगा, पहले फिनिशर कौन लगाता है, देखने वाली चीज रहेगी। और ये मेरे को लग रहा है दोनों ही टीम ने टैग कर दिया भाई, उधर से जे आ गए हैं, इधर से कोडी रोड्स आ गए हैं। अरे क्या कर रहे हो, क्या बात है, डीडीटी के साथ सर से खून आ गया भाई। ओहो भाई पिटाई अच्छे वाली हो रही है कोडी रोड्स की, और मुझे लगता है ये मैच में अभी तक तो फिलहाल जो है ना भाई कोडी रोड्स तो काफ़ी पीछे ही है यार, कोडी रोड की हालत ख़राब है। और उधर सैमी जेन भी पिटाई करवा के चले गए, अपनी उसोस ब्रदर सुपर किक लगाने की तैयारी थी, उसोस ब्रदर जो है काफ़ी आगे चल रहे हैं भाई मैच में, हेडबट दे रहे हैं भाई, तीसरा हेडबट लगातार। ओके तो अब मुझे लगता है तैयारी है भाई उसको स्प्लैश की, क्योंकि रिंग के ऊपर जा रहे हैं भाई, और अगर कोडी को लग गया ना भाई तो काम खराब होने वाला, कोडी का कोई बचाने आएगा भाई। सैमी आ जा यार, हाँ आ ही गया भाई, शुक्र है भाई सैमी आ गया, बचा लिया सैमी जेन ने। और उसो को ज़्यादा, ओ डीडीटी, तो जे उसो भाई पूरा गुस्से में है और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं भाई, रिवर्स कर दिया यहाँ पर कोडी ने, मैच में वापसी कर रहे हैं थोड़ी बहुत तो यार। रिवर्स चल रहा भाई, फिर से रिवर्स, क्या बात है। तो कोडी के लिए भी मैच अभी इतने खत्म नहीं हुआ भाई, मैच अभी चल रहा है, कोडी के पास भी फिनिशर है और सैमी जेन के पास भी। जे उसो ने तो यूज कर लिया भाई अपना फिनिशर फिलहाल, और 25 की बौछार भाई, क्या बात है, रिवर्स कर दिया क्या, नहीं रिवर्स नहीं किया है। ओ भाई क्या बात है, कोडी रोड एकदम बढ़िया, और हाई फ्लाइंग एक्शन के लिए एल्बो ड्रॉप के साथ जे उसो की हालत थोड़ी खराब होते हुए भाई। अब हेलोवा किक आ गया, ये तो भाई एक नंबर बंदा है, सैमी जेन आ गया है किक के साथ प्रेशर बनाते हुए। ओहो रिवर्स कर दिया भाई जे उसो ने, पिटाई अच्छी कर रहे थे वैसे जे उसो की। ओहो क्या बात है यार, क्या मूव, बढ़िया एकदम। तो जे ने वापसी किया भाई एक बेहतरीन मूव के साथ, अभी टैग देने जा रहे हैं मुझे लग रहा है। ये क्या किया भाई जे ने, वहां से घुमा के क्या भाई, और अब जा रहे हैं भाई टैग के लिए, दोनों ने ही टैग कर दिया है फिलहाल। जिमी फ्रेश मूड के साथ आए हैं भाई,
और कोडी की हालत खराब है रिवर्स कोडी की तरफ से। कोडी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है भाई। फिनिशर पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे यार कोडी अभी तक, भी लगाना चाहिए यार कोडी को फिनिशर। टैग कर दिया सैमी को, कोडी के पास दो दो फिनिशर हो गए हैं और यूज अभी तक एक भी नहीं किया। और रूसोस जो है भाई वो फिनिशर लगाने में तो माहिर है। ओ हो, ये बढ़िया था यार सैमी का। और रेफरी की भी दौड़ लगवा रखी है भाई, कभी अंदर कभी बाहर, क्योंकि फॉल्स काउंट एनी वेयर ऑन है। हेलोवा किक रिवर्स हो गया भाई। ओ सैमी जेन ने कोशिश की थी फिनिशर की लेकिन काम बना नहीं यार। ये क्या कर रहे हो भाई? ओ रिवर्स, अच्छा अबे डांस करके दिखा रहा, बाद में नाच लियो भाई। टैग हो गया इधर से, उसोस ब्रदर का भी टैग हो गया भाई। ओ पंच हो रही है मुझे लगता है फिनिशर। ओ भाई क्रॉस रोड मिस कर गए यार कोडी रोड, रिवर्स कर दिया उसोस ने और हालते खराब। कोडी की हालत बहुत खराब है, फिनिशर भी आ गया जे उसो के पास और मुझे लगता है जल्दी ही उसको स्प्लैश की तैयारी। और अगर ये फिनिशर पड़ा ना भाई तो सैमी जेन को बचाने आना ही पड़ेगा। रिवर्स नहीं, सैमी जेन बचाने आएंगे तभी बच पाएंगे, नहीं तो कोडी रोड्स की हालत बहुत खराब है भाई, कहीं ये मैच हार ना जाए। सैमी जेन नहीं आ रहे, आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया अपने दोस्त को बचाने के लिए आ गया भाई सैमी। लेकिन पिटाई एक नंबर कर रहे हैं भाई उसोज ना भाई, खतरनाक प्लेयर है। ड्रॉप किक के साथ कोडी रोड्स को गिरा दिया है। रिवर्स, अरे वाह फिनिशर ये पड़ा, क्रॉस रोड से वापसी एक नंबर। उसोस बचाने के लिए आ रहे, अबे रेफरी को गिरने काउंट नहीं करने दिया यार रेफरी को, ये बहुत चालबाज प्लेयर है भाई। ओ सेमी बाहर है और फिनिशर तो नहीं है, सिग्नेचर मूव है कोडी के पास, लगेगा क्या? लगा तो हालतें खराब होने वाली है जे उसो की भाई। ओ, एक नंबर भाई। और ये फिनिशर की तैयारी, जिमी कहाँ है भाई? ये मुझे लगता है कुछ मैच में ट्विस्ट होने वाला है। और ये तो भाई गए, तो जे उसो को कवर कर लिया और भाई जिमी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कोडी ये मैच जिताकर ही मानेंगे, बिल्कुल इतनी पिटाई के बाद ही भाई, क्या बात है। तो कोडी रोड्स और सैमी जेन ने ये मैच जीत लिया भाई, क्या बात है यार। तो उसोस को हरा दिया इन्होंने इस मैच में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भाई लोग, और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए भाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।